अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, अक्सुआहंग की दुनिया में फिल्मी हीरोज और फिल्मी हीरोइंस के दरमियान मोहब्बत की बेशुमार कहानियां आपके और हमारे सामने हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कोई हीरो अपनी पसंद की हीरोइन को हासिल करना चाहे और हीरोइन इस पर तैयार ना हो तो ये खासी हैरानकुन बात होती है। आज एक ऐसी ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी सच्ची कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। पाकिस्तानी फिल्मों के साहिब तर्ज फिल्म साज, हदायतकार, गुलूकार और अदाकार अनायत हुसैन भट्टी से कौन वाकिफ नहीं। बेशुमार कामयाब और जुबली फिल्मों का ये खालिक भी शादीशुदा होने के बावजूद एक फिल्मी हीरोइन की यकतरफा मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ और उसने हर तरह से अपनी पसंदीदगी और चाहत का इजहार करने के जतन किए, मगर हैरत अंगेज तौर पर ये हीरोइन मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने पर आमादा ना हो सकी। मैं बात कर रहा हूँ लाजवाब फिल्मी हीरोइन रानी बेगम की। जैसा कि सभी जानते हैं कि रानी को इसकी इब्तदाई फिल्मों की नाकामी की वजह से मनहूस अदाकारा करार दे दिया गया था और कोई भी फिल्म मेकर इसे कास्ट करके अपना सरमाया बर्बाद करने के हक में नहीं था। नाकामी और नाउमीदी के इस पीरियड में जिन लोगों ने रानी के अंदर की फनकारा पर एतमाद करते हुए इसे अपनी फिल्मों में हीरोइन की हैसियत से कास्ट किया और बुरे वक्त में इसका हाथ थामा, इनमें अनायत हुसैन भट्टी का नाम सरे फहरिस्त है। अपने फिल्मों में रानी को लगातार कास्ट करके इसे कामयाब फिल्मी हीरोइन बनाने वाला अनायत हुसैन भट्टी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर रानी की जुल्फों का असीर हुआ और उसकी हर वक्त ये कोशिश हुआ करती थी कि ये खूबसूरत आहू चश्म फिल्मी हीरोइन इसकी चाहत पर भरोसा करते हुए इसके करीब आ जाए, मगर ऐसा हो नहीं सका। अनायत हुसैन भट्टी के दिल में यकतरफा मोहब्बत की शम्मा कुछ इस तरह से जल रही थी कि वो रानी का दिल जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, मगर बताया जाता है कि रानी एक तो अपने कैरियर को दवाम बख्शने के लिए कोई ऐसा कदम उठाना ही नहीं चाहती थी जो इसे फिर से गुमनामी के अंधेरों में धकेल दे, और अगर वो अनायत हुसैन भट्टी की मोहब्बत को कबूल भी कर लेती तो इसकी एक ही सूरत थी कि अनायत हुसैन भट्टी इसके साथ शादी कर ले। जहाँ तक अनायत हुसैन भट्टी का ताल्लुक है तो वो पहले से शादीशुदा होने की वजह से रानी को मुस्तकिल तौर पर अपनी जिंदगी में शामिल करने की पोजीशन में हरगिज नहीं था। इन्हीं वजूहात की बिना पर अनायत हुसैन भट्टी और रानी के दरमियान मोहब्बत की ये कहानी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। दिल के हाथों बेबस अनायत हुसैन भट्टी ने आखिरकार कड़वे पानी के बेदरेग इस्तेमाल और चंद करीबी साथियों के मशवरे पर रानी को अगवा करने का फैसला किया और इस फैसले पर अपनी ही फिल्म की शूटिंग के वक्त उस वक्त अमल दरामद कर लिया जब रानी शूटिंग के लिए सेट पर मौजूद थी। अनायत हुसैन भट्टी रानी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर नामालूम मुकाम की तरफ ले गया। रानी के अगवा की खबर फिल्मी हलकों में जंगल की आग की तरह फैली, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री की सरकर्दा शख्सियात की हंगामी मुदाखलत के बाद रानी को बाजियाब कराया गया और इस तरह यकतरफा मोहब्बत की ये कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। अब जबकि अनायत हुसैन भट्टी और रानी दोनों ही इस दुनिया में मौजूद नहीं है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह इनके दानिश्ता ना दानिश्ता होने वाले गुनाहों और गलतियों को अपनी रहमत से माफ फरमा कर इन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अब इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।